गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट हिंदी कक्षा पहली। पहली कक्षा में लास्ट टॉपिक हमने कौन सा देखा था, याद है सबको? कौन सा देखा था? यस, चिड़ियाघर की सैर। उस टॉपिक में हमने क्या देखा था? राइट, उस टॉपिक में हमने देखे थे जंगली जानवर, राइट, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल, राइट। उसमें कौन कौन से प्राणी देखे थे फिर हमने? हाथी, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, ये सब, नीलगाय, ये सब हमने क्या देखा था? ये प्राणी देखे थे और इन प्राणियों के बारे में हमने जानकारी ली थी, राइट। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे प्यारे दोस्त, राइट। देखो, वैसे तो हमारे सारे बहुत प्यारे दोस्त होते हैं, है ना? तो हर किसी का कोई ना कोई दोस्त होता है। और देखो, आज हम देखेंगे कि पालतू जानवर हमारे कैसे दोस्त होते हैं। देखो, पालतू जानवर जिन्हें हम पालते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं और वक्त आने पर हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, हम उनके साथ खेलते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, ये सब हम करते हैं, उन्हें कहते हैं पालतू जानवर। यानी देखो, जो जंगल में रहने वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वाइल्ड एनिमल। लेकिन जो पालतू जानवर है उनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? डोमेस्टिक एनिमल, राइट। तो आज हम देखेंगे कि डोमेस्टिक एनिमल हमारे कैसे उपयोगी है, कौन कौन से है, उन सब की आज हम जानकारी लेंगे। देखो, आपके सामने कुछ चित्र दिख रहे हैं, कुछ चित्र में आपको बच्चे दिख रहे हैं, साथ में कुछ प्राणी दिख रहे हैं और सब साथ में खुश दक रहे, राइट। चलो देखो, हमारे आसपास बहुत सारे प्राणी होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, उन्हें हम पालते हैं, जैसे कि कुत्ता हो, बिल्ली हो, है ना, खरगोश हो, या फिर बकरी हो, गाय हो, या घोड़ा हो, ये सारे क्या है? हमारे पालतू जानवर हैं जिन्हें हम पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, है ना। तो देखो, ये कुछ दोस्त है जो उन जिनके पास कुछ जानवर है, पालतू जानवर जो अपने साथ लेकर आए हैं। चलो ये टॉपिक हम देखते हैं। मोनू अपनी बिल्ली लाया, कुत्ता लाई लता, मनी है बकरी अपनी लाई, खरगोश के संग बाला आया, सबने मिलकर खेला खेल, सबने मिलकर केला खाया। यानी देखो, ये जो दोस्त है मोनू, लता, मनी, बाला, ये क्या है? ये सारे चारों दोस्त है और इन्होंने क्या किया? एक टाइम डिसाइड किया जिनके घरों में क्या है? पालतू जानवर है। यानी कौन कौन से पालतू जानवर? किसी के पास बिल्ली है तो किसी के पास कुत्ता है, किसी के पास खरगोश है तो किसी के पास बकरी है, और हर कोई अपने अपने पालतू जानवरों को क्या करने लाया है? खेल खिलाने लाया, खेलने के लिए लेके आया है। यानी देखो, जैसे हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, वैसे ये जानवर भी है, ये भी बोर हो जाते हैं। इसलिए हम देखो, हमेशा हम देखते हैं कि कोई लोग अपने पालतू जानवर को घूमने के लिए लेकर आते हैं, कोई सुबह लेकर आता है, कोई शाम को लेकर आता है। आपने देखा होगा कि मोस्टली हम गाय को लेकर जाते हुए देखते हैं, बकरी को लेकर जाते हुए देखते हैं, या कुत्ता हो, कुत्ते को हम लेकर जाते हुए देखते हैं। यानी हर कोई अपने पेट एनिमल को लेके जाता है, राइट। तो वैसे ही ये जो दोस्त है इन्होंने सोचा कि हम शाम के वक्त मिलेंगे, अपने अपने पालतू जानवर को लेके आएंगे और उनको खेल खिलाएंगे। यानी वो भी खेलेंगे और उनके साथ उनके जानवर भी खेलेंगे। तो देखो, इससे क्या होता है, जानवर भी खुश होते हैं और हम वो थोड़ा बाहर निकलेंगे तो थोड़ा खुश होते हैं और उसमें साथ हम ही खुश होते हैं। देखो, कुत्ते को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉग, राइट। कुत्ते को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉग, DOG, डॉग। तो बिल्ली को हम क्या कहते हैं? यस, बताओ क्या कहते हैं मुकेम? राइट, CAT, कैट। देखो, बकरी को हम क्या कहते हैं? यस,
यशोधरा बकरी को हम कहते हैं गोट, GOAT गोट। तो खरगोश को हम कहते हैं रैबिट, RABBIT रैबिट, राइट। और इनके अलावा और कोई जानवर है जिनको आप जानते हो, जिनको हम अपने आसपास देखते हैं? यस राइट, कैमल, ऊंट, बराबर। ऊंट है जो भी एक पालतू जानवर है, घोड़ा है, और कौन कौन से है? गाय है, बफेलो, भैंस, राइट। ये सब क्या है? हमारे पालतू जानवर है। देखो कुत्ता क्या करता है, हमारे घर की रखवाली करता है। तो गाय हमें दूध देती है, राइट। हॉर्स क्या है? हॉर्स हम सवारी के लिए उसे यूज़ करते हैं, यानी देखो हॉर्स कार्ट, यानी घोड़ा गाड़ी। उसके बाद देखो बैल है, बैल देखो लोग खेती करने के लिए बैल का इस्तेमाल करते हैं, बैल गाड़ी भी होती है जिसे हम बुलक कार्ट कहते हैं, है ना। उसके बाद देखो कैमल, कैमल की भी लोग सवारी करते हैं, है ना, यानी ऊंट। कैमल को क्या कहते हैं? ऊंट। और ऊंट की क्या करते हैं लोग? सवारी करते हैं, राइट। ये क्या है फिर हमारे पालतू पशु? ये क्या है? हमारे पालतू पशु है जिन्हें हम इंग्लिश में डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, जो हम इंसानों के साथ रहते हैं, जो हम इंसानों के साथ रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पालतू। और जो जंगल में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? राइट, डोमेस्टिक एनिमल। जो जंगल में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। बट जो हमारे साथ रहते हैं उनको हम कहते हैं पालतू पशु। देखो ये सारे दोस्त थे, मोनू, मनी, लता, बाला, ये सारे अपने एनिमल्स को लेकर आए हैं, पशुओं को लेकर आए हैं। कोई बकरी लाया है तो कोई खरगोश लाया है, और साथ में क्या लाया है? केले लाए हैं। और सब देखो सब दोस्त कैसे मिलकर हंसी खुशी से केले खा रहे हैं। चित्र में जैसे हमें दिख रहा है कि सब ने मिलकर केला खा रहे हैं। और ये पशु देखो कैसे आपस में इनकी जम रही है, ये भी आपस में खेल रहे हैं। यानी देखो इस टॉपिक से हमें क्या सीख मिलती है कि पशु भी हमारे क्या होते हैं? दोस्त होते हैं, राइट। पशु भी हमारे क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। और हमें उनकी केयर करनी चाहिए जैसे वो हमारी केयर करते हैं, राइट। देखो कुत्ता हो तो कुत्ता क्या करता है? हमारे घर की रखवाली करता है, हमारे खुद की केयर करता है ना, चोरों से हमें बचाता है। तो देखो जो बकरी है वो भी क्या करती है? वो भी हमारी जो किसान है किसानों की हेल्प करती है। लोग देखो अभी भी गांव में बकरी पालते हैं, है ना। तो देखो इनसे ये सारे क्या है? हमारे पालतू पशु है जो हमारे आसपास रहते हैं, राइट। सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? देखो जैसे मोनू, लता, मनी, ये सब क्या है? बाला, ये सब एक अच्छे दोस्त थे। और साथ में उन्होंने किससे दोस्ती की है? पशुओं से, राइट। इन्होंने किनसे दोस्ती की है? पशुओं से। जैसे हम इंसानों से दोस्ती करते हैं वैसे ही हम पशुओं से भी दोस्ती करते हैं। पशु जो हमारे आसपास रहते हैं हम उन्हें अपने घरों में रखते हैं, उनको पालते हैं, राइट। देखो जैसे हम कुत्ते को पालते हैं, बकरी, कैमल, हॉर्स, डोंकी यानि गधा, इन सब को हम क्या करते हैं? पालते हैं। तो ये है हमारा, ये हमारे पालतू पशु जिनके बारे में आज हमने देखा, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे और अच्छे दोस्त हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप बताओ फिर मोनू अपने साथ क्या लाई, किसको लेकर आई मोनू अपने साथ? यस बताओ तौसीफ, राइट। मोनू अपने साथ बिल्ली लेकर आई। सबने मिलकर क्या खाया, कौन बताएगा? यस
बताओ जिज्ञासा। राइट, सबने मिलकर केला खाया। वेरी गुड स्टूडेंट्स।